रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में योगी आदित्यनाथ सिंह यहां जनसभा करने पहुंचे। यहां लालगंज के एहार में बालेश्वर मंदिर प्रांगण के भीतर बनाए गए सभा स्थल पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ ने भगवान शंकर का दर्शन किया। दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ सभा स्थल पहुंचे, जो हर हर महादेव के नारों से मतदाताओं में जोश भरा। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सपा और कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव अब राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच सिमट गया है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल और पाकिस्तान का कोई संबंध है जिसे मैं नहीं समझ पाया। योगी आदित्यनाथ इस दौरान प्रियंका गांधी के उस सवाल का जवाब भी दे गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल में भाजपा ने यहाँ क्या किया। इसका जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं उनसे पूछता हूं कि 65 वर्षों में उन्होंने क्या किया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान हर घर नल और फ्री राशन जैसी योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 वर्षों में ये किया है। करेगा ना, करेगा ना, और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि राम द्रोही दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो राम द्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए, इस समय पाकिस्तान और राम द्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना का उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान के आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन की मैं बयानबाजी करता है। बहनों भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है, मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में और उनको समर्थन मिलता है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा क्या उसका समर्थन करेंगे क्या? करेंगे क्या? रायबरेली उसका समर्थन करेगी क्या? बहनों भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।